एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। सर्दी का मौसम है और कुछ मीठा बनाया जाए तो आज हम बनाएंगे बालूशाही, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत अच्छी बनती है। इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है बिल्कुल बाजार जैसी बालूशाही, और वो भी घर में। बालूशाही बनाने के लिए हमने लिया है 150 ग्राम मैदा। मैं बालूशाही थोड़ी बना के दिखा रही हूँ, आप जितनी मर्जी क्वांटिटी बना सकते हैं। ये हमने 2 बड़ा चम्मच देसी घी लिया है, 5 से 6 इलायची छोटी को क्रश कर लिया है, मैंने छिलकों समेत इसको क्रश किया है। ये पिस्ता है गार्निश के लिए, पिस्ता अच्छा लगता है इसके ऊपर। 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर है, ये थोड़े से तीले जो हैं मैंने केसर के लिए हैं, इसे मैंने पानी में भिगो के रखा है। और ये मैंने 300 ग्राम शुगर ली है शुगर सिरप बनाने के लिए, और ये मैंने लिया है थोड़ा सा पानी जो कि मैं मैदे के अंदर डो तैयार करने में डालूंगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेना है, ये आपने प्रोसेस ज़रूर करना है। इसके अंदर हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर, इसे हमने इस तरह मिक्स करते हुए ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेना है, जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाएगा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर से बालूशाही जो है वो हल्की हो जाती है। अब हमने इसके अंदर डालना है देसी घी। हमने इसको डो की तरह नहीं गूंदना, जस्ट हमने इसको जोड़ना है। इस तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे ब्रेड क्रम्स होते हैं वैसे ये बन गया है, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो गई है। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ठंडा पानी, पानी आपने ठंडा लेना है। इसी तरह से हमने इसे धीरे धीरे हल्के हाथों से इकट्ठा करना है, पानी इसके अंदर ठंडा डालना है। ये टिप्स आप ध्यान में रखें, क्योंकि अगर हम इसे आटे की तरह गूंथेंगे तो फिर ये अंदर से उतनी सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो हमने इसको जस्ट इस हिसाब से इकट्ठा कर लेना है। थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे, पानी आप ज़रूरत के अनुसार डालें। इसे हम 15 मिनट के लिए इसी तरह से रेस्ट पे रख देंगे। जितनी देर में हमारा डो सेट होता है उतनी देर में हम चाशनी बनाएंगे। जितनी चीनी डालनी है उससे आधा आपने पानी डालना है। मान लो 300 ग्राम चीनी है तो 150 ग्राम हम पानी डालेंगे। वैसे तो बालूशाही की जो चाशनी होती है वो थोड़ी गाढ़ी होती है, लेकिन आजकल लोग जो है मीठा बहुत कम खाते हैं, तो हम चाशनी को थोड़ा सा पतला ही रखेंगे ताकि मीठा ज़्यादा तेज़ ना हो। इस टिप को आपने ध्यान में रखना है। इसके अंदर हम डाल देंगे केसर, जिससे कि कलर जो है बहुत ही अच्छा आ जाएगा, और साथ ही हमने डाल देनी है छोटी इलायची। शुगर जो है वो हमारी डिसॉल्व हो चुकी है, इसको हमने एक तार दो तार की चाशनी नहीं बनाना, इसे हमने 10 मिनट पूरी तरह से पका लेना है। आप देख रहे हैं जो चीनी है वो बिल्कुल साफ़ है, चाशनी हमारी साफ़ बनी है। अगर आपकी चीनी मैली है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल के ऊपर से गंदगी को अलग कर सकते हैं, बट ये चीनी साफ़ है तो इसे हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं आधा नींबू का रस डाल रही हूँ, लेमन जूस, ये मुझे दिखाना याद नहीं रहा था। तो इसको डालने से क्या होता है कि जो चाशनी है वो गाढ़ी नहीं होती, चाशनी उसी तरह रहती है जिस तरह होती है। कई बार चाशनी जो है जम जाती है सर्दी की वजह से, नींबू डाले होने से एज इट इज़ रहेगी और पूरी तरह से बालूशाही के अंदर चली जाएगी। 10 मिनट हो गए हैं, चाशनी जो है वो हमारी बनकर तैयार है, इसे हम दूसरी तरफ रख देते हैं। डो हमारा सेट हो चुका है, इसे हम प्लेटफॉर्म पे निकाल देते हैं इस तरह से। तो इसे हमने इस तरह से हाथ से ही दबाकर प्रेस करते हुए थोड़ा सा फैलाना है। इसे हम सेंटर से काट देंगे और इस तरह से रखते हुए इसे दोबारा फिर हमने फैला लेना है। इस तरह से कट करते हुए हमने फिर दोबारा इसको फैला लेना है। इसी तरह से हमने 5 से 6 बार करना है ताकि इसकी जो लेयर्स हैं वो बन जाए। आपने देखा होगा कि बालूशाही के अंदर जो होती हैं लेयर्स होती हैं, इससे जो चाशनी है वो पूरी तरह से बालूशाही के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी और बालूशाही अंदर से भी पूरी तरह से सॉफ्ट बनेगी।
आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी लेयर्स बनी हुई हैं अंदर से, इसी तरह हमें चाहिए। अब हम इस तरह से इसे प्रेस कर लेंगे। हाथ से ही तोड़ते हुए हमने इसको, चाहे आप कटर से काट लें या हाथ से तोड़ लें, ये प्रोसेस जो है बालूशाही के अंदर बहुत ज़रूरी का प्रोसेस है। अब हमने इसे दो टुकड़ों में काट लिया है और इस तरह से हम करते हुए इसको रोल कर लेंगे। बहुत अच्छी लेयर्स बनी हैं। बालूशाही बनाना बहुत ही पेशेंस का काम है, इसके अंदर टाइम जो है काफ़ी लगता है। अब इसको हमने कट कर लेना है, इक्वल इक्वल पेड़ जितने हमने बनाने हैं उतने उतने हमने कट कर लेने हैं। और इस तरह से जो लेयर वाली साइड है उसी तरह हमने हल्के हाथों से इसको गोल कर लेना है। इस तरह से गोल करते हुए हमने अपने ही अंगूठे के साथ बीच में से, आप क्रॉस भी कर सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, दूसरी तरफ से आप इस तरह भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि बालूशाही बिल्कुल ऐसी ही होती है। इसी तरह से हमने सारी बालूशाहियों को इस तरह से हमने बना लेना है। ये हमने फ्राई करने के लिए तेल रख दिया है। आपने ये ध्यान रखना है कि हमने तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। अगर हम तेल को बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे और बालूशाही डालेंगे तो बालूशाही ऊपर से बहुत ब्राउन हो जाएगी और अंदर से बिल्कुल कच्ची रह जाएगी। तो बालूशाही को बनाने के लिए तेल हमें हल्का गर्म चाहिए। तेल हमारा हल्का गर्म हो चुका है, हमने थोड़ा सा डाल के देखा, आप देख रहे हो ऊपर आ गया है। फ्लेम हम लो कर देंगे और हमने सारी बालूशाही इसके अंदर डाल देनी है। इसे हमने लो फ्लेम पर बनाना है, ये ध्यान रहे, और इसे हमने हिलाना नहीं है। इसे 5 से 10 मिनट भी लग सकते हैं, जब ये पक जाएगी तो ये अपने आप ऊपर आ जाएगी। इसे हमने लो फ्लेम पर रखा है, आप देख रहे हैं धीरे धीरे बबल्स उठने शुरू हो गए हैं, मतलब तेल जो है वो हमारा गर्म होने लग गया और बालूशाही के अंदर जा रहा है। तो जब ये बालूशाही फ्राई हो जाएगी तो अपने आप ऊपर आ जाएगी, उससे पहले हमने इसको हिलाना नहीं है। आप देख रहे हैं कि बालूशाही एक एक करके ऊपर आ रही है। जब ये सारी बालूशाही ऊपर आ जाएगी तो फिर हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। थोड़ा सा फ्लेम को हम तेज करते हैं, लो से थोड़ा लो मीडियम पे कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि बालूशाही जो है वो हमारी ब्राउन कलर की हो गई है, बहुत ही अच्छी। इसके अंदर जो क्रैक्स हैं आप देख रहे हो कि बालूशाही अंदर तक बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी लेयर्स लग रही हैं इसकी। इसके अंदर क्रैक्स जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से ये लग रही है कि बहुत अच्छी लेयर्स वाली बालूशाही बनी है। आपने ये ध्यान रखना है कि जब ये कच्ची हो तो इसको छेड़ना नहीं है। फ्लेम हमने मीडियम की हुई है, तेल हमारा गरम अच्छे से हो चुका है। अब ये अच्छी ब्राउन हो गई है तो इसे हम एक एक करके निकाल लेंगे। दोनों तरफ से आप देख रहे हैं कि ये दोनों तरफ से ब्राउन हो चुकी है, ऐसा ही हमें कलर चाहिए। फ्लेम हम ऑफ कर रहे हैं और इसे हम एक प्लेट के ऊपर निकाल लेते हैं। अब हमने इस बालूशाही को चाशनी के अंदर डाल देना है जो हमने शुगर सिरप बनाया है। ये हमारी बालूशाही बनके तैयार है और ये शुगर सिरप है, इसके अंदर डिप करेंगे। तो ये बर्तन बड़ा है तो मैं इसे एक बाउल में डाल देती हूँ जिसके अंदर बालूशाही अच्छे से डिप हो जाए। आपने ये ध्यान रखना है कि शुगर सिरप जो है वो ठंडा होना चाहिए और बालूशाही गर्म। और इसे हमने इस तरह से दो दो करते हुए हम इसमें डिप कर देंगे और 2-3 मिनट के लिए हम इसे रखेंगे। एक बालूशाही इसमें और डालेंगे हम, 2-3 मिनट हम इसे इसी तरह से डिप रखेंगे, उसके बाद हम इसे पलट देंगे। ये हमारी बालूशाही सर्व करने के लिए तैयार है। मैंने 3-3 बालूशाही शुगर सिरप में डालकर निकाल ली हैं। बहुत ही टेस्टी, मैं इसे चेक कर चुकी हूँ, बहुत टेस्टी बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छी बालूशाही बन के तैयार हुई है। बहुत खस्ता और लेयर्स वाली बालूशाही तैयार हुई है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसे बनाएं और मुझे बताएं ज़रूर कि आपको ये बालूशाही कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।